हाँ ऐप ठीक है, मैं भी अल्लाह पाक के फरमान से भी था। बहुत से बहन भाइयों की जो फरमाइश थी कि थोड़ी डंकी ड्राइविंग का अस्पताल जो है ना बनाया करें, तो आज माशाल्लाह से सीधे रास्ते जाना है यार डंकी ड्राइविंग। अभी सीधे रास्ते डंकी ड्राइविंग करूँ तो सच में ये इतना तेज भागती है, फिर मेरे से ना काबू उसको करना मुश्किल हो जाता है। तो इतना गिरने का भी खतरा होता है, चाहे इंसान जितना भी जो है ना सीख चुका हो या उसको ड्राइविंग आती हो, तो आखिरकार ये जानवर है बेकाबू तो हो ही जाता है। अभी इसने अपनी स्पीड लगाई तो बड़ी मुश्किल से मेरा कैमरा मैन आगे आया, उसने इसको रोका। मैं आगे आ जाती हूँ, पीछे से बार बार मैं ना पीछे हट हट के बैठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आज सीट बेल्ट भी नहीं लगाया, ऐसे ही बैठी हूँ। फल हमारे तरह खत्म हो चुके हैं, तभी बच्चे पौधे वगैरह दे के दोबारा जो है ना नाला वगैरह बन जाएगा तो लगाएंगे। अपनी टांगों को की मदद से टंकी के पेट को ऐसे पकड़ लेती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर बैठ पाती हूँ, वरना तो बार बार गिरती रहती हूँ अगर ना पकड़ूँ तो। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि डॉगी दोनों जो है ना मेरे साथ नहीं है, वरना वो होते थे मिठाइयों को डॉगी को भौंकने नहीं देते इसको काट के वापस जा रहा थे। अभी डॉगी को पता चला, छोटे वाले को फौरन से भाग के आ गया। अभी मैं सैर करके आ चुकी हूँ, आपको नहीं पता चला अभी आगे से भाग के आया। काफ़ी जो है मैंने लंबी डंकी ड्राइविंग की है अपने बहन भाइयों की फरमाइश पे। अभी नीचे उतरने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल दोनों लोगों को पता ही नहीं था आज मेरे साथ नहीं थे, इधर ही मैं इनको छोड़ गई हूँ, वरना ये रास्ते में जो है ना मसायों के डॉगों के साथ जो है ना लड़ाई करते हैं। आज ऐसा नहीं हुआ, एग्जाम्पल लगाती हूँ।